you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंडी लव चैनल, और ये है हमारा सोगमा हॉस्पिटल जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे प्रैक्टिस का लास्ट डे है और यहाँ पे आते हैं नॉन सीरियस पेशेंट, जिनको बाद में ट्रीटमेंट करके और अगर वो सीरियस हो तो दूसरे स्पेशल हॉस्पिटल में हमें रिफ़र करना होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स और दिखाते हैं कि कैसे हम करते हैं अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस। दोस्तों, ये है हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट, जिसे इंडिया में ओपीडी डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, और यहाँ पर हम पेशेंट्स की प्राइमरी डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड एमआरआई टाइप के डायग्नोसिस। और चलिए आपको ले चलते हैं अनदर डिपार्टमेंट्स। फ्रेंड्स, ये है हमारा ट्रॉमालॉजिकल यूनिट, ये है एक इमरजेंसी यूनिट जहाँ पे हम लाते हैं सीरियस पेशेंट्स, जैसे कि फ्रैक्चर्स एंड डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंटल पेशेंट्स। फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर हॉल जहाँ पे हम अपने प्रैक्टिस करने से पहले लेक्चर लेते हैं सीनियर डॉक्टर्स की और उनसे डायरेक्शन लेते हैं कि कैसे आज हमें क्या करना है। और ये है हमारा डिपार्टमेंट्स ऑफ सर्जरी जहाँ पे हमें सर्जरी की ट्रेनिंग देने के साथ साथ पेशेंट की सर्जरी भी की जाती है और यहाँ पे हमें लेक्चर भी मिलते हैं सर्जरी के। फ्रेंड्स, ये है हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे कार्डियो प्रॉब्लम से जुड़े हुए पेशेंट आते हैं, और इस समय हमारी यहाँ प्रैक्टिस चल रही है इसलिए हम आपको यहाँ पे अंदर से भी दिखा दे सकते हैं, पर दूसरे जगह पे हम अपने डिपार्टमेंट को नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पे अभी हमारी प्रैक्टिस चल नहीं रही है और कोरोना के मामले जुड़े होने के कारण वहाँ पे अभी खतरे से खाली नहीं है जाना। सो अभी ले चलते हैं आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में और दिखाते हैं यहाँ का प्रैक्टिस प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये है हमारा पैथोलॉजी लैब, यहाँ पे हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए उसकी तैयारी करते हैं, जैसे इंजेक्शन रेडी करना या फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी चीज़, मेडिसिन और जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ पे रेडी करते हैं। और आपको बताते हैं प्रोसेस, यूज्ड हॉस्पिटल गार्बेज जो होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरिंज और दूसरे गार्बेजेस रखे हुए हैं। सबसे पहले हम उसे इस सॉल्यूशन के द्वारा डिसइंफेक्ट करते हैं। हम इन गार्बेजेस को एक पॉलीथीन में कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें डालते हैं ये सॉल्यूशन और फिर उस सॉल्यूशन को पूरी तरीके से इस गार्बेज के साथ मिक्स करते हैं और फिर नीचे से उस पॉलीथीन को हम काट देते हैं। उसके बाद से हम वेट करते हैं डिस्पोज करने वाली कंपनी का, जो कि हॉस्पिटल में आते हैं और इस सारे गार्बेज को डिस्पोज करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आपको एक वार्ड में ले आए हैं जहाँ पे पेशेंट अभी नहीं है, ये रूम बिना पेशेंट के है, और आपको दिखाते हैं इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिफरेंस। तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो पेशेंट के रूम होते हैं तो आप देखेंगे उन्हें एक पर्सनल फ्रिज दिया जाता है और दो लोग एक रूम में हो सकते हैं, और उन्हें एयर कंडीशनर भी दिया जाता है, उसके साथ साथ हीटर और अपना कवर्ड भी दिया जाता है और टेबल और चेयर। इन सारी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट खुद मुहैया कराती है अपने पेशेंट्स को, और यहाँ पे सारा इलाज फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये है डिफरेंस अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स में और यहाँ के हॉस्पिटल्स में। यहाँ के हॉस्पिटल्स में गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ के गवर्नमेंट का रूल है कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो उसके बाद से आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवाना होता है। इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के अनुसार किसी भी हॉस्पिटल में उस व्यक्ति का फ्री में इलाज होता है। फ्रेंड्स, ये है नर्स पोस्ट, और यहाँ पे 24 आवर एक नर्स की ड्यूटी लगी होती है, और यहाँ पे एक होती है इमरजेंसी बेल जो कि सारे वार्ड से जुड़ी होती है, और इसी के अनुसार अगर किसी मरीज को अच्छा फील नहीं हो रहा है या सीरियस प्रॉब्लम है और उस मरीज को तुरंत हेल्प की आवश्यकता है तो वो मरीज वहाँ से बेल को दबाता है और यहाँ पे नर्स को पता चल जाता है कि किस
वार्ड से पेशेंट ने बुलाया है और उसको जिस हिसाब से भी हेल्प चाहिए नर्स उसको प्रोवाइड करती है। ये है यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन रूम। जब भी कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है तो उसकी बीमारी से जुड़ी हिस्ट्री, जैसे कि उनका हार्ट रेट, पल्स, क्या पेशेंट उस समय कैसा था, और जैसे उनका एड्रेस, नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की जाती हैं ताकि बाद में डॉक्टर उन्हें देखने जाए तो उनके पास एक नॉर्मली पेशेंट की हिस्ट्री हो। और ये है हमारा चेंजिंग रूम। यहाँ पे हम आते हैं और अपना एप्रॉन पहनते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे लंच करते हैं और ब्रेक टाइम में यहाँ पे अपने प्रैक्टिस की प्रिपरेशन भी करते हैं। और यहाँ पे हमें अपने बैग्स और जैकेट्स को छोड़ना होता है क्योंकि प्रैक्टिस में बैग और जैकेट अलाउ नहीं है। तो अभी मैंने आपको अपना कार्डियो डिपार्टमेंट दिखाया। हम आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से पेशेंट्स को नहीं दिखा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्डियक पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं और अभी कोरोना से इन्फेक्टेड होने का खतरा बना हुआ है। इस वजह से हम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनके रूम में आपको नहीं ले गए। चलिए आपको बताते हैं हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस का प्रोसीजर। तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस के प्रोसीजर में सबसे पहले हमको ऐसी बुक मिलती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मे बी। इस बुक में हमें करीब हमारा 15 दिन का जो भी प्रैक्टिस होता है इस बुक में हमें फिल करना होता है, जैसे कि उनका एज, उनका नाम, डिजीज़ और हमने उनका ट्रीटमेंट कैसे किया। और 15 दिन बाद एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में हमको उस सारे ट्रीटमेंट से जुड़े हुए और सारी बीमारियों से जुड़े हुए सवाल किए जाते हैं। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम 9 बजे हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। इसके बाद से हम हॉस्पिटल के नर्स के कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया जाता है कि आज हमें क्या करना है और उसका पूरा प्रोसीजर हमें समझाया जाता है। उसके बाद हम हैवी पेशेंट जो कि खुद से कहीं दूसरे वार्ड में जा नहीं सकते, उनको व्हीलचेयर पे लेके, जैसे कि MRI स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, उसके लिए हम वार्ड में, दूसरे वार्ड्स में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर उनको जाना हुआ तो उसकी व्यवस्था करते हैं। और ऐसे ही सर्जरी की प्रिपरेशन करना, उसके साथ ही पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्रिपरेशन करना, यही है हमारा सारा दिन का प्रोसीजर। और ये प्रैक्टिस करीब 6 घंटे की होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम ऐसे ही अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। और ये हमारे दोस्त फैज़ अपने सर्जरी यूनिट से, अपने सर्जरी डिपार्टमेंट से प्रैक्टिस पूरी करके आते हुए